नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। कांटी थाना क्षेत्र के नरसंडा स्थित डॉक्टर रणधीर कुमार के आवास में हुई भीषण डकैती। लूटपाट के क्रम में अपराधियों ने डॉक्टर और उनकी पत्नी पर हमला कर किया घायल। कार, पिस्टल सहित 1 करोड़ की संपत्ति हुई लूट। सीतामढ़ी जिले के चेथड़िया गांव में भाभी ने धारदार हथियार से वार कर देवर का भुगतान काटा। गंभीर हालत में युवक का SKMCH में चल रहा इलाज। और आई और कटरा को चेचरी मुक्त कराने को लेकर कटरा विकास मंच के बैनर तले ग्रामीणों ने समरनाले में दिया धरना। और सदर थाना पुलिस ने गोबरसही के पास से 3 युवकों को 30 बोतल विदेशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। बाइक जब्त। और अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना क्षेत्र के नरसंडा स्थित डॉक्टर रणधीर कुमार के आवास में अपराधियों ने रविवार की रात भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। डकैतों ने डॉक्टर दंपति को घायल कर लगभग 1 करोड़ की संपत्ति लूट कर ले गए। कांटी थाना क्षेत्र के नरसंडा स्थित डॉक्टर रणधीर कुमार के आवास पर धावा बोलकर डकैतों ने रविवार की रात भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया। घर के पिछवाड़े से सीढ़ी लगाकर छत के रास्ते से घर में घुसे डकैतों ने हथियार के बल पर डॉक्टर रणधीर कुमार तथा उनके परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया और 2 घंटे तक लूटपाट करते रहे। लूटपाट के क्रम में गृह स्वामी द्वारा अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपराधियों का मुकाबला करने की कोशिश की, परंतु अपराधियों ने रणधीर कुमार को चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं उनकी पत्नी भूपेक्षा को भी मारपीट कर घायल कर दिया और घर से 45 लाख नकद, 1 कार, उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित लगभग 1 करोड़ की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। डकैतों डॉक्टर रणधीर को घर में लगे CCTV कैमरे का हार्ड डिस्क भी उठा ले गए। हालांकि पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से घर से कुछ दूरी पर पड़े हार्ड डिस्क को बरामद कर लिया। उधर घटना की सूचना मिलते ही SSP हरप्रीत कौर और DSP पश्चिमी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से डकैतों का पता लगाने का भरसक प्रयास किया। उधर SSP ने अस्पताल जाकर घायल डॉक्टर का भी हाल जाना तथा घटना के संबंध में उनसे पूछताछ की। इस संबंध में SSP ने बताया कि पूरी घटना की जांच की जा रही है। इस घटना में अंतर जिला गिरोह का हाथ होने का संकेत मिला है। शीघ्र ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई, हम डॉक्टर साहब से मिले हैं जिनके घर में कल डकैती हुआ है, तो बताया है इन्होंने एक गाड़ी, इनकी एक लाइसेंसी वेपन है, कैश है, ज्वेलरी है, बताया है कि लेके गए हैं। 8 और 10 की संख्या में थे लोग। तो अभी मैं POP ही जा रही हूँ, तो अभी देखते हैं, हमारे एंगल से देखते हैं कि कौन कौन इसमें हो सकता है। POP जाने से ज्यादा क्लियर होगा। हमारे DSP और SHO ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, डॉग स्क्वाड और FSL को भी बुलाया है,
तो उम्मीद है कि हम जल्दी इसको कर लेंगे डिटेक्ट। जैसे बातचीत से लग रहा है कि बाहर जिले के मतलब अपराधी इसको मतलब हो सकते हैं, उसको भी हम देख रहे हैं, जैसे कि उन्होंने बताया है बादशाह के बारे में, तो गाड़ी भी इनकी लेके गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि कौन हो सकते हैं इसमें। अभी रणधीर तो हमारा मित्र है और ये विषय अलग है कि इनके पास घटना रात घटी है, पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं घट रही है, सरकार नाम का कोई चीज नहीं है, जनता असुरक्षित महसूस कर रही है और कब किसके साथ घटना घट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रत्येक जिले में प्रत्येक दिन एक दो डकैती हत्याएं लूट बलात्कार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इसे सुशासन कहते हैं, तो जिस सुशासन के नाम पर ये सरकार आ गई वो सरकार अब कुशासन की सरकार हो गई है और डॉक्टर रणधीर के यहाँ जो घटना घटी है, एक बड़े डॉक्टर हैं, ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं और उनके घर में घटना घटी, उनको छुरा मार दिए, पूरे परिवार को बंधक बना लिया, डकैती हुई, पूरे सामान लूट करके ले गए और मेन नेशनल हाईवे पर उनका घर है, तो दो घंटे तक अपराधी रहे। अपराधियों के मन में एक बात बैठा है कि ये सरकार से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और इसी का परिणाम है कि जब सरकार का इकबाल घट जाता है तो अपराध बढ़ जाते हैं। श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के 11 करोड़ लोगों को धोखा दे करके एनडीए के साथ चले गए। उन्होंने पहले कहा था कि जंगल राज है बिहार में, हम जानना चाह रहे हैं बिहार के लोगों से कि कौन सा राज है कि जहाँ प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, डकैती हो रही है, अब तो डॉक्टर भी अछूते नहीं है, यहाँ पर तो कोई अब डॉक्टर और बड़े कारोबारी या बिहार में फिर नहीं रहना चाहते हैं। सोमवार और शनिवार को नगर बन जाता जामनगर का जुमला सोमवार को फिर हुआ चरितार्थ। स्टेशन रोड, अस्पताल रोड, अखाड़ा घाट और जीरो माइल में लगे जाम से घंटों लोग परेशान रहे। शनिवार और सोमवार को मुजफ्फरपुर नगर जामनगर बन जाता है। यह जुमला अब शहर के सभी लोग जान चुके हैं। इतना ही नहीं, नगर के लोग इस समस्या को झेल भी रहे हैं। आज सोमवार होने के कारण नगर के सदर अस्पताल रोड और स्टेशन रोड में घंटों जाम की समस्या बनी रही और जाम में लोग घंटों फंसे रहे। जाम में फंसे लोग यातायात की लचर व्यवस्था के लिए प्रशासन को कोसते रहे। काफी जाम है लेकिन एक घंटा के बाद QRT की पुलिस जब आई तो 10 मिनट में पूरे ट्रैफिक को क्लियर करा दिया। इससे साफ जाहिर है कि अगर इतना मेहनत बिहार ट्रैफिक पुलिस करे तो जाम किसी भी चौक पर नहीं लगेगा। कितनी परेशानी होती है जाम रहने, जाम से तो अब किसी का मरीज या एम्बुलेंस फंसा हुआ है उसमें जो है घंटों जाम हो जाता है और कोई सुनवाई नहीं होता है, मगर जहाँ QRT की पुलिस आती है लाइन एकदम साफ क्लियर हो जाता है। इस इलाके में 3-4 घंटे तक लगे जाम के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर पहुंची QRT के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद यातायात को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हुए स्थिति को सामान्य बनाया। ट्रैफिक जाम था, जाम हटाने आए थे सदर हॉस्पिटल रोड, स्टेशन रोड और जो जंक्शन पॉइंट है काफी जाम थी, बहुत देर से जाम थी, रेलवे द्वारा सूचना दिया गया हॉस्पिटल रोड पर जाम है, यहाँ से यातायात सामान सधारण से जाम की है, यातायात। उधर नगर के जीरो माइल, अखाड़ा घाट, सिकंदरपुर इलाके में भी घंटों भीषण जाम लगा रहा और इस जाम में आम तो आम खास लोग भी फंसकर परेशान होते रहे। इतना ही नहीं, कई स्कूल बसें भी जाम के कारण एक ही स्थान पर काफी देर तक रुकी रही और बस पर सवार बच्चे गर्मी और भूख प्यास से बिलबिलाते रहे। जाम में फंसे लोगों का कहना था कि ऑटो चालकों की मनमानी के कारण जाम की समस्या हो रही है, परंतु प्रशासन इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है। एक तो ऑटो चालक इंचार्ज है जिसके नीचे में कचरा इतना होता है, कचरा की वजह से टेम्पो साइड में लग नहीं पाती है। सोमवार दिन ऐसे ही होता है, ये जाम होता है, देख रहे हैं आप पीछे कचरा कितना दिखाई दे रहा है, कचरा की वजह से पब्लिक भी वहाँ खड़ा नहीं हो पाता है, पब्लिक रोड पे खड़ा होता है। कलमबाग चौक स्थित एक होटल के सभागार में लियाफी के 25वें कार्यकारिणी परिषद की बैठक आयोजित की गई। कलमबाग चौक स्थित एक होटल के सभागार में लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुजफ्फरपुर मंडलीय परिषद की 25वीं कार्यकारिणी की हुई बैठक में संगठन के नेताओं ने जमाकर्ताओं एवं अभिकर्ताओं के हित की सुरक्षा में उठाए गए कदमों की चर्चा की। साथ ही सभी अभिकर्ताओं ग्रुप इंश्योरेंस मेडिक्लेम दिए जाने की मांग उठाई गई। इस बैठक में सदस्यों ने पेंशन सुविधा, क्लब अभिकर्ताओं को मिलने वाले लाभ में वृद्धि करने की मांग उठाई।
बेसिकली हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की साधारण सभा भोपाल में होने जा रही है, जिसमें लगभग 10 से 15,000 अभिकर्ता प्रतिनिधि भाग लेंगे। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि हमारे बीमा धारकों को, जो मेरे हम लोगों के विश्वास के आधार पे आते हैं, बीमा 95% अभिकर्ता करता है। कोई भी व्यक्ति पैसा तब देता है जब उसको अभिकर्ता पे विश्वास होता है। पिछले कुछ दिनों से बोनस दरें कम हुई हैं, पॉलिसी पे मिलने वाला लोन महंगा हुआ है। जब हम पॉलिसी पे महंगा ब्याज दर ले रहे हैं तो पॉलिसी होल्डर्स को ज़्यादा बोनस भी देना हमको चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एजेंट्स का अपनी पूरी ज़िंदगी वो LIC के लिए लगा देता है। बहुत सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे जो 50-50, 55-55 साल जिनकी एजेंसी हो गई, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी LIC को समर्पित कर दिया, लेकिन आज बुढ़ापे में जब उनको ज़रूरत है, पेंशन अगर होती तो शायद उनकी ज़िंदगी खुशहाल रहती और वो बढ़िया से वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी 82-83 साल के लोग हैं जो LIC के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए मेडिक्लेम नहीं है, उनके लिए ग्रुप इंश्योरेंस नहीं है। हम आम पब्लिक को बीमा देने की बात करते हैं, लेकिन खुद LIC हमको बीमा देने के लिए तैयार नहीं है पर्याप्त मात्रा में। सीतामढ़ी जिले के चेथड़िया गांव में एक महिला ने अपने देवर को कमरे में बुलाया और धारदार हथियार से वार कर उसका गुप्तांग काट दिया। एक भाभी ने बहाना बनाकर देवर को अपने कमरे में बुलाया और धारदार हथियार से वार कर देवर का गुप्तांग काट डाला। घटना सीतामढ़ी जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के चेथड़िया गांव की है। इस घटना का शिकार युवक को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया। रमेश पासवान ने इस संबंध में बताया कि उसका भाभी से पूर्व में संबंध था, परंतु जब से उसकी शादी हुई वह भाभी के पास नहीं जा रहा था। कब की घटना है ये? कल कब? 8-7 बजे रात को। 4 दिन से फोन कर रहा था, हम जा नहीं रहे थे। कल फोन करके बुलाया तो 3 बजे तो हम गए। उसके बाद बुला के ले गया, वो चाकू रखा था छुपा के, काट दिया। आपके साथ उसका कोई रिलेशन भी था पहले से? पहले था रिलेशन था। कितने दिनों से रिलेशन था? तो पहले था ना, तो 1-2 साल से हम, 1.5 साल से घर उसका आना जाना छोड़ दिए थे। अच्छा। उसके बाद वो बोला अपना पत्नी को रखोगे तो हमसे नहीं बचोगे। इसके बाद बोला पत्नी रहेगा तो तुमको नहीं रहने। कांटी थाना क्षेत्र के ब्रह्मचौक के समीप रविवार को स्कॉर्पियो की ठोकर से घायल शाहपुर ग्राम निवासी राधेश्याम चौधरी की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। कांटी थाना क्षेत्र के ब्रह्मचौक के समीप रविवार को स्कॉर्पियो द्वारा ठोकर मार दिए जाने की घटना में घायल कांटी थाना क्षेत्र के शाहपुर ग्राम निवासी राधेश्याम चौधरी की इलाज के क्रम में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। घटना हुआ है कि नौकरी करते थे गार्ड का गरम चौक पे, कोल्हुआ के पास गरम चौक है, चांदनी चौक से अंदर में गार्ड का नौकरी करते थे। नौकरी करके अपने भतीजा के साथ, भतीजा बैठा हुआ था, घर जा रहे थे साइकिल से। जमाल मियाँ का जो पेट्रोल पंप है, गुमटी है, उसी गुमटी के पास एक बोलेरो तेजी गति से उधर से आई और इनको उड़ाते हुए भाग गए। घटनास्थल पर मौत हुई इलाज के दौरान? नहीं, इलाज के दौरान मौत। प्रशांत में इनका इलाज चल रहा था कल से, और 3:40 में लगभग इनका यहाँ। अहियापुर थाना पुलिस ने झपा स्थित लीची बागान में छापामारी कर 4 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। अहियापुर थाना पुलिस ने सोमवार को झपहा के लीची बागान में छापेमारी कर 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए जुआरियों के पास से पुलिस ने 60,000 रुपए भी बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने लीची बागान में जुआरियों के जमा होने की सूचना दी थी, जिसके आधार पर छापेमारी कर उन सबों को गिरफ्तार किया गया। कल झपहा से ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी जा रही थी कि लीची के बागान में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं और जुआ खेलने वालों के पास काफ़ी मात्रा में
नगद एवं ताश की गड्डियाँ हैं। ग्रामीणों की सूचना के अनुसार करीब वहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपए को दाव पर लगा कर जुआ खेला जा रहा था। इस सूचना पर हमने थाना की टीम के साथ 2 पदाधिकारियों की टीम बनाकर वहाँ पर छापामारी करवाई। छापामारी के क्रम में 4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। ताश की गड्डियाँ को जब्त किया गया और करीब करीब 7,000 रुपये नकद भी बरामद हुए। बाकी पैसा लेकर बाकी लोग भागने में सफल हुए। बाकी लोगों की पहचान की जा रही है और इन 4 लोगों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तिरहुत रेंज के DIG अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रेंज के सभी जिले से 1 सप्ताह के भीतर 423 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तिरहुत रेंज के DIG अनिल कुमार सिंह ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता के क्रम में तिरहुत रेंज के सभी जिले में दर्ज हुए अपराध के मामले और अपराधियों की हुई गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी दी। इस क्रम में उन्होंने बताया कि 2 जुलाई से 8 जुलाई के बीच कुल 679 आपराधिक मामले दर्ज कर कार्रवाई की गई, वहीं 423 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बरामदगी शराब की पिछले सप्ताह 143 लीटर देसी शराब और 7,376 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। उसके साथ साथ बियर भी 9,625 लीटर बियर बरामद हुए हैं। अवैध अग्नेयास्त्र में 2 पिस्टल, 2 कट्टा और 9 कारतूस बरामद हुई है। इस बीच जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसमें टोटल 679 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 435 लोगों को और जमानतीय मामलों में जेल भेजा गया है। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर कि पहले से कोर्ट का वारंट निकला हुआ था और कुछ लोग ऐसे हैं जिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया उन घटनाओं में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो अपराध का कुल ये आंकड़ा है। इधर कुछ कल्याणकारी कार्य जो विभाग का होता है उसमें प्रोन्नति का बोर्ड हमारे यहाँ से उसकी बैठक होती है। उस बैठक में हम लोगों ने 118 सिपाही की प्रमोशन के लिए विचार किया था। उसमें 86 सिपाही को ASI में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में प्रोन्नति के लिए योग्य पाया गया है, जिसका रिकमेंडेशन भेजा गया है। इसके अलावा 44 सब इंस्पेक्टर भी थे जिनका इंस्पेक्टर में प्रमोशन के लिए कंसिडर किया गया था बोर्ड के द्वारा। उन 44 में से 15 लोगों को योग्य पाया गया है, तो इनका भी रिकमेंडेशन प्रोन्नति के लिए किया गया है। और आई और कटरा क्षेत्र को चेचरी मुक्त कराने की मांग को लेकर कटरा विकास मंच के सदस्यों ने समरणालय परिसर में धरना दिया। कटरा और आई प्रखंड को चेचरी मुक्त बनाने की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार कटरा विकास मंच के सदस्यों ने सोमवार को समरणालय में धरना दिया। इस अवसर पर मंच के सदस्यों ने बिहार को चेचरी मुक्त हो जाने की कही जा रही बात को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी कटरा और आई क्षेत्र के लोगों का जीवन चेचरी पर ही टिका है। संगठन के नेताओं ने कहा कि अब कटरा और आई चचरी मुक्त हो, इस मुहिम को लेकर आंदोलन की शुरुआत की गई है। हम लोगों का चचरी एक्चुअली जो कटरा उत्तरी कटरा है वो हमेशा से उपेक्षित रहा है और मतलब बिहार सरकार के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि बिहार में अब चचरी युग का अंत हो गया, उसके खिलाफ हम लोग का धरना है कि हमारे प्रखंड में आज भी चचरी है और चचरी के सहारे ही हम लोग जी रहे हैं। जैसे कि अभी डुमरी के देख रहे हैं आप कितने ग्रामीण आए हुए हैं, डुमरी में कुछ दिन पहले एक बच्चे का चचरी से गिर के ही मौत हो गया था। तो मतलब सरकार इतनी संवेदनशील कैसे हो सकती है, इस चीज़ के लिए हम लोग बैठे हैं और हमारा मांग है कि हमें चचरी मुक्त जल्दी से जल्दी किया जाए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। मुजफ्फरपुर जिले के छात्र छात्राओं के सुनहरे भविष्य को संवारने के लिए BPSD एजुकेशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वर्षों खड़ी रही। इस संस्थान में पैरामेडिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, टीचर ट्रेनिंग, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस तथा मैनेजमेंट एंड कॉमर्स कोर्स कराई जाती है।
यह संस्था बिहार के सभी जिलों में स्थापित है। यहाँ तकरीबन 1000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। इस संस्थान में छात्रों की सुविधा का ख्याल रखा जाता है। सुयोग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छात्रों को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने के अलावा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूर्ण अनुशासित और सुरक्षित माहौल में छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता है। यहाँ वाईफाई परिसर के साथ छात्र ऑनलाइन सेवा का लाभ ले सकते हैं। भारत की पहली प्राइवेट संस्था है जहाँ छात्रों को 2,00,000 की जीवन बीमा निगम निःशुल्क कराई जाती है। इस संस्थान को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा द्वारा 2017 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला बेस्ट एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया था। अभी यहाँ नामांकन जारी है। अपने नामांकन के लिए संपर्क करें बीपीएसडी एजुकेशन, शंकर नगर, नियर जिला स्कूल गेट, पानी टंकी चौक, मिठनपुरा। और कॉन्टेक्ट नंबर आर 9835592183, 9525338423, 9905303131। बीपीएसडी एजुकेशन हमारा जो है ये जो सुविधा दे रही है शहर में वो काफ़ी सराहनीय है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हिंदुस्तान की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग बच्चे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बेहतर शिक्षा के साथ साथ लाइफ कवर भी हम लोग 2,00,000 तक का करते हैं। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाथ चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। और कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 7463884603, 9006877392, 8539857777। वेलकम टू ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, बी इंटेलेक्चुअल बाय इंटेलेक्चुअल्स। इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर
क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। आर कॉन्टेक्ट नंबर्स आर 9955456278544077116। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर प्लस टू तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है, अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर हम आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हहैं 9525587370 पर। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फ्रॉम नर्सरी टू 9th फॉर द सेशन 2018-2019। क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। भाइयों और बहनों, आपके स्मार्ट सिटी शहर में खुल गया है बिहार का पहला सभी रेंज के साथ ब्लू स्टार एक्सक्लूसिव स्मार्ट शोरूम। यहां सभी प्रकार के एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, चेस्ट फ्रीजर, वाटर प्यूरिफायर, एयर फ्रीजर, एयर कूलर के अलावा कई और रेंज उपलब्ध है। इस शोरूम में एक और खास बात है, यहां कस्टमर के सभी चीजों का ख्याल रखने के साथ साथ बजाज फाइनेंस की सुविधा है, वो भी 0% इंटरेस्ट के साथ। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है UA इंटरप्राइजेज, अगोरिया बाजार, आम गोला रोड, नियर सिटी कार्ट मॉल, मुजफ्फरपुर। ईमेल u.a.enterprises.muz@gmail.com। आर कॉन्टेक्ट नंबर आर 9334900888 9234900888 9973246300। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट रेंज के साथ उतरे हैं। प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं ही, एक बार सिर्फ हमारे आने की जरूरत है आपको, और बस आइए और देखिए। क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड अचीव योर ड्रीम्स एट जीनियस क्लासेस। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। सो हु वांट्स टू बी द नेक्स्ट जीनियस, कॉल अस 7635091378
763-501-3896। जीनियस नाम ही पहचान है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बापू और बा के 150 कार्यक्रम के तहत सिकंदरपुर स्थित राधा देवी बालिका उच्च विद्यालय में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बापू 150 कार्यक्रम के तहत सोमवार को सिकंदरपुर स्थित राधा देवी बालिका उच्च विद्यालय में गांधी विचार संवाद का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य रविन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने बच्चों को वर्तमान समय में गांधी की प्रासंगिकता बढ़ जाने तथा उनके विचारों और आदर्शों को अपनाकर वर्तमान की चुनौतियों का मुकाबला करने की बात बताई। ये बैठक का मुख्य उद्देश्य है गांधी विचार को लोगों तक पहुंचाना, विशेषकर छात्र युवाओं में। आपको पता है कि 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बा कस्तूरबा गांधी का 150वीं जन्मवर्षगांठ है और उसको लेकर मुजफ्फरपुर में नागरिक पहल के तहत बा बापू 150 के तहत स्कूल कॉलेज में कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग यहाँ हैं। 1 जुलाई को हम लोग बाबा आमटे सेंटर फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में युवाओं के साथ संवाद किया था और आज इस विद्यालय में छात्राओं के साथ संवाद कर रहे हैं। सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोबरसही चौक के समीप 30 बोतल शराब के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया। सदर थाना पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर चंद्रहट्टी से शराब लेकर आ रहे 3 युवकों को गोबरसही चौक के पास गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों से पुलिस ने 30 बोतल विदेशी शराब बरामद कर जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में एक बाइक भी जब्त की है। घटना रात की घटना है। कल छपाड़ी की जा रही थी, उसी तरह सूचना मिली की है कि गोबरसही चौक के पास शराब बाइक से लेकर जा रहे हैं। इस क्रम में सामान का जवाब करते थे, छपाड़ी किया गया। जो व्यक्ति जो थे प्रयास किए पकड़ा गया, इसमें से उसके पास से घोड़ा में रखा हुआ 30 बोतल रखे, इन शराब बरामद किया गया। फिर उसी को गिरफ्तार किया गया और एक व्यक्ति शराब व्यक्ति के खूब हंगामा कर रहे थे, जिसे पकड़ कर पकड़ाया गया। तो सर इसमें और किसी जैसे लिप्त जाँच की जा रही है। वो जहाँ विधानसभा क्षेत्र के शेखपुर पंचायत के गणेशपुर मोहल्ले में रहने वाले लोग सालों भर जल जमाव की समस्या झेलने को विवश है। बुझा विधानसभा क्षेत्र के शेखपुर पंचायत का गणेशपुर एक ऐसा मोहल्ला है जहां 12 महीने सड़क पर जल जमाव की समस्या बनी रहती है और मोहल्ले के लोग इसी नरकीय स्थिति से होकर गुजर रहे हैं। इस मोहल्ले में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं रहने तथा अब तक मोहल्ले में नाला का निर्माण नहीं कराए जाने के कारण वर्षों से यहां के लोग गंदे पानी से होकर आने जाने को विवश हैं। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि घरों से निकलने वाला गंदा पानी भी सड़क पर ही बहता है। इसी नरकीय स्थिति से गुजरकर महिलाएं मंदिर जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, परंतु मोहल्ले की इस समस्या की ओर सांसद या विधायक का ध्यान तक नहीं है। मतलब करीबन बहुत दिनों से है, जब भी बरसात आती है तब इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ जीना मतलब आराम। बगल में कोचिंग सेंटर है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते होंगे, उन लोगों को जाने लोगों जाने में बहुत तकलीफ होती है। बच्चे के साथ साथ गार्जियन को भी तकलीफ होती है उनको लाने ले जाने में, इस कारण सब। बीच में एक मंदिर दिख रहा है, क्या वहाँ पे जाने में श्रद्धालु महिलाओं या जो पुरुष जाते हैं पूजा करने उन लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है? बहुत ज़्यादा। रोड बनाने के लिए क्या आप लोगों ने प्रशासनिक पहल की है? बहुत ये किया लेकिन कहीं कोई अभी तक इसका कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा इसका मतलब हम लोग कहाँ डीएम तक गए लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। आपके शहर के विधायक जो हैं वही नगर विकास मंत्री है और विकास आपको यहाँ दिख रहा है? जी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। विधायक के पास भी ये सूचना है मगर इस पर कोई पहल नहीं। नगर के भगवानपुर का साकेतपुरी मोहल्ला अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है लेकिन इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। मुशरी प्रखंड स्थित साकेतपुरी मोहल्ला भगवानपुर से बैरिया चौक जाने वाली एनएच के किनारे स्थित है। आज ये मोहल्ला अपनी ही बदहाली पर खुद आंसू बहा रहा है। 4000 से ऊपर आबादी वाले इस मोहल्ले की सड़क कांटी में निकलती है। इस मोहल्ले की मुख्य सड़क का निर्माण 2002 में ही हुआ था, इसके बाद आज तक इसकी मरम्मती नहीं की गई है। यह मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ के विधायक नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा हैं। इस पूरे मोहल्ले में नाला निर्माण आज तक नहीं हुआ। इस रास्ते से बड़ी बड़ी कांटी थर्मल पावर की ट्रक गुजरती है और पूरे सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं। सड़कों पर बारिश का पानी जमा रहता है।
मजबूरन लोगों को इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। यही नहीं, महीने में एक बार मोहल्ले के लोग आपसी सहयोग से कूड़ा उठवाते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि विधायक सुरेश शर्मा ने वायदा किया था कि जीत जाने के बाद यह सड़क जरूर बनवाएंगे, लेकिन उनके वादे के 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या तो यह सड़क है। 2002 में इसका विधायक फंड से निर्माण हुआ था, उसके बाद कभी रिपेयर नहीं हुआ, रोड खंडर होता गया, बीच बीच में मोहल्ला के लोग चंदा करके उसको बनवाते रहे हैं। परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि आप स्वयं देख लें कि पानी जमा हुआ है। पानी जमा होने के बाद कैसे लोग मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हैं, और बहुत बार तो रिक्शा वाले रिक्शा के पैसेंजर उलट जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाने में उन लोगों बस देखा जाए स्कूल जा रहे हैं बच्चे। बगल में आगे करीब 400 मीटर पर फतेहपुर मिडिल स्कूल है, इधर से बच्चे जाते हैं उधर से बच्चे आते हैं। यहाँ से वहाँ तक स्थिति बहुत खराब है। समस्या है कि ये रोड काफी दिनों से जर्जर हालत में है, 3-3 जगह पानी लगा हुआ है। मंत्री जी आए थे, आश्वासन दिए कि इसको बनवाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो सका। ये हमारे ये एडीएम साहब काफी प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। ये कचरा यहाँ मोहल्ला भर का जमा होता है, कोई देखने वाला नहीं। ये अपना पैसा दे के इसको फेंकवाते हैं 3-4 महीना पर। तो ये सामूहिक चीज है, इसमें गाड़ी की जो दुर्दशा है, आदमी का पैदल चलना मुश्किल है, खास करके अभी जो बच्चे स्कूल जाते हैं उसकी क्या दुर्दशा, लेडीज जाती है उसका क्या दुर्दशा है। वहीं दूसरी ओर इस रास्ते से आ रहे गैस वेंडर ने बताया कि जब इस रास्ते से आते हैं तो उनकी गाड़ी टूट जाती है, रिम स्कोप टूट जाता है, रिम टेढ़ा हो जाता है, लोड रहता है ठेला। और आगे भी कोई सड़क ही नहीं है इसमें। आगे फतेहपुर पड़ता है तो उधर ढाला हुआ है, कोई निर्माण नहीं हुआ है यहाँ जी। नहीं, कोई नहीं, कोई निर्माण नहीं। आज की खबरों में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।